हमारे आत्मविश्वासी मुखर नए भारत के कहानीकार, हमारे डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स की प्रतिभा को सम्मान देने के लिए, नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड का मंच प्रदान करने के लिए, इस विजन को सामने लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। इन पुरस्कारों के लिए 4 सदस्यीय जूरी में से 2 माननीय सदस्य हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं मंच पर रूपाली गांगुली जी और प्रसून जोशी जी को आमंत्रित करती हूं, जो जूरी मेंबर्स हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी तथा माननीय मंत्री महोदय, आपसे अनुरोध करती हूं कृपया पुरस्कार वितरण का शुभारंभ करने के लिए मंच पर आगे आएं। The first category, the award for the new India champion. The award goes to Abhi and New. Through their insightful content and wide range of topics, they have raised awareness for New India. हमें ऐसा लगा कि भारत की जो इमेज बन रही है, जो छवि बन रही है, वो बहुत सारी नेगेटिव बन रही है, लेकिन भारत में ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी पॉजिटिव बातें हैं जो पूरी दुनिया तक पहुंचना आवश्यक है, ताकि हमारी जो नई पीढ़ी है वो हमारे नए भारत से रूबरू हो पाए। तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना हमें जो दिखता है वो पूरी दुनिया के सामने लाए। बेस्ट स्टोरी टेलर अवार्ड, द अवार्ड गोज टू कीर्तिका गोविंद स्वामी। ओहो बाबा, आप फायर नहीं थे। In my audience, I have a lot of teenagers, and they really watch things. In सब के वो सारे खिलाड़ी teenagers ही है. That's true. So they really like things about the stories which talks the greatness of India. So that kind of stories they really like a lot. उनको अच्छा लगता है. Yeah, yeah. चलिए. People really feel proud of it. बहुत सेवा कर रहे हैं आप देश की. Thank you. All the best. और अगला पुरस्कार प्रकृति और पर्यावरण के प्रति समर्पित भाव से काम करने वाले ग्रीन चैंपियन अवार्ड, जिसके विनर हैं पंक्ति पांडे। बहुत बहुत बधाई। कुछ अपने कार्य के विषय में बताइए। हम अपने वेस्ट को ऑडिट करें। हम दूसरों का कचरा देखते हैं, पर हम क्या खुद निकालते हैं वो हम कभी नहीं देखते हैं। कल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू वेस्ट ऑडिट योर डस्टबिन, कि क्या हम हमारी लाइफ को जीरो वेस्ट बना सकते हैं? पूरे तरीके से नहीं, पर क्या हम कोशिश कर सकते हैं? अहमदाबादी है तो वेस्ट का बेस्ट कैसे बनाना, इसमें एक्सपर्टाइज होती है। ये अहमदाबादी लोग एक भी चीज फालतू छोड़ते ही नहीं है। धन्यवाद जी। माइक दे दीजिए तो वो काम आएगा। And the next award, Best Creator for Social Change. और इस award की winner है जया किशोरी। Youngest spiritual orators, she shares stories and teachings from Bhagavad Gita and Ramayana in insightful manner. बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए, आपने लोगों को आध्यात्मिक दुनिया की तरफ बड़ी आधुनिक तरीके से रुचि फैलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सोच है कि भगवान से जुड़ना तो बुढ़ापे का काम है, और मुझे लगता है सबसे गलत सोच है, क्योंकि सबसे ज्यादा अध्यात्म की जरूरत युवाओं को है। और अगर मैं मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन जी सकती हूँ तो मुझे लगता है हर युवा जी सकता है। लोगों को डर लगता है अध्यात्म मतलब झूला लेके चले जाना। हाँ जी, तो आप उसको रास्ता बता रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है श्रीमद् भगवद गीता, और वो एक ऐसे व्यक्ति को सुनाई जा रही है, अर्जुन, जो आगे जाके राजा बनने वाले हैं, और राजा से ज्यादा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं होता। और गीता में भगवान ने एक बार भी श्री कृष्ण ने नहीं कहा कि राज्य छोड़ दो, बस कहा अपना धर्म पूरा करो जहां भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड नाउ द कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड, और इस अवार्ड की विनर हैं जानी मानी गायिका। पारंपरिक लोक गीत के माध्यम से विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न भारतीय भाषाओं में गाती हैं, और हमारे देश की समृद्ध संस्कृति को सामने प्रस्तुत करती हैं। मैथिली ठाकुर। मैथिली नमस्ते। नमस्ते।
बात कुछ सुनाई दो और क्या क्या क्योंकि तो लोग मेरा सुन सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा थक जाते हैं ना? नहीं 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 मैंने बिल्कुल, मैं आपको सुनाती हूँ। और सबसे पहले सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और तो शिव जी का ही भजन कर लो आज। जी जी जरूर। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। सिंघी नाद बजावत गावत, सिंघी नाद बजावत गावत, लटक रही बगली झोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। बहुत बहुत बधाई, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। देश के टूरिज्म पोटेंशियल को सामने लाने वाले बेस्ट ट्रैवल क्रिएटर अवार्ड के विनर हैं कामिया जानी। सो द ब्यूटी ऑफ इंडिया हैज बीन शोकेस्ड बाय हर इन हर वीडियोस। दैट्स कामिया जानी। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू कामिया जी। बताइए। मुझे घूमने का बहुत शौक है और मुझे लगता है कि जब हम ऑफिस से थके आ रहे आते हैं या वीक भर पूरा काम करते हैं, वीकेंड में हमें एंजॉय करना चाहिए। जो इतनी ब्यूटीफुल नेचुरल ब्यूटी हिंदुस्तान में है वो एंजॉय करनी चाहिए। और मुझे लगता है भारत सबसे ज्यादा खूबसूरत देश है और यही ऑब्जेक्टिव है कि ग्लोबल मैप पर भारत नंबर वन पर हो बस। और फिलहाल कंफ्यूज हूं, लक्षद्वीप जाऊं या द्वारका। Thank you. The next category, Heritage Fashion Icon Award. और इस award के winner हैं जहानवी सिंह। लो बाबा पैर मत। बहुत बहुत बधाई आपको। नए भारत में जो हमारी प्राचीन परंपरा है उसे अपनी संस्कृति, शास्त्र, संस्कार और साड़ियों के माध्यम से आगे लेके जाऊं। और मेरा सबसे यही अनुरोध है कि अपनी संस्कृति, शास्त्र, संस्कारों को भूलिए मत, उसे अपने साथ रखिए। आप कितने भी मॉडर्न हो जाएं, हमेशा ये रूट्स आपको याद होनी चाहिए।